दरवाजा तोड़ देगा मैं बोल रहा हूँ भाई, इसे दरवाजा तोड़ देना है। दरवाजा खोल दिया, मार उसको। यार इतना बड़ा जंगल है, परमिशन किससे लेनी हमने यहाँ पे? आप आईडी कार्ड दिखाओ अपना, हम कैसे माने आपको? भाई दरवाजा मत खोलना भाई, इस टाइम कुछ भी हो सकता है, दरवाजा मत खोलना गलत से। मैं दरवाजा क्यों खोलूं? मैं नहीं खोल रहा दरवाजा भाई। भाई दरवाजे से दूर है, दरवाजे से पीछे हो जा। खिड़कियों को छुआ ना, मैं दांत तोड़ दूंगा तेरे यहां पे। एक बार इन्हें भाई इधर नहीं, इधर में दांत दो मुड़े थे अंदर। सही गल, वो नहीं समझे हमारा चौकी अफसर फोन जिप्सी पे जी उसने उसने गड्डी उठाई चुके बेचारे गड़ाम। खुले आसमान के नीचे आप सो रहे हो यार, क्या फील आ रहा है यार गाड़ी के अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। सो आज हम वापस आ चुके हैं बहुत ही डेंजरस फॉरेस्ट में। सो आज हम वापस से करने जा रहे हैं कार कैंपिंग, क्योंकि आपका काफी टाइम से डिमांड आ रहे थे कि कार कैंपिंग करो, कार कैंपिंग करो। तो हम कार कैंपिंग नहीं कर रहे थे, बट फाइनली आज कार कैंपिंग करने जा रहे हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। तो बहुत मजा आने वाला है। अभी आपको बड़ी बोरिंग सी लग रही होगी बैकग्राउंड में कार, बट जस्ट अभी दो मिनट दो यहाँ पर बैकग्राउंड पूरा चेंज होने वाला है। तो इतना फील आएगा यहाँ पर नाइट कैंपिंग करते हुए, आपको भी बहुत मजा आएगा। और आप देखिए कार कैंपिंग होती कैसे है, यहाँ पर हम कैसे फुल नाइट स्टे करते हैं, यहाँ पर पूरी रात हम यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। ये एकदम घना जंगल हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, और वाइल्ड एनिमल्स यहीं पर घूमते हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्क होने वाला हमारे लिए। तो आज हम सोच रहे कि आज हम कुकिंग नहीं करेंगे बाहर, आज हम कुछ ऐसे बनाएंगे जो कार के अंदर ही हो जाए। तो कार कैंपिंग का मतलब ही वही होता है ना कि आप कार के अंदर ही सब कुछ कर रहे हो, आपको कार से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आजकल देखा टेंट कैंपिंग हो रही है, लेकिन रिस्क बहुत होता है, कार कैंपिंग में रिस्क नहीं होता। वाइल्ड एनिमल से आप बच सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे डेंजरस रिस्क होते हैं जहां से आप अवॉइड कर सकते हो। तो चलते हैं और कार को थोड़ा सजाते हैं, आपको भी थोड़ा फील देते हैं कार कैंपिंग की फील कैसे ले जाते हैं। सो करते हैं गाड़ी की चाबी ऑफ, लाइट ऑफ कर दिए, और आपको बाहर का फील दिखाते हैं। और आपको ना अभी आपको आवाजें सुनने को मिलेंगी नाइट की। सो आज ना हमने एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, हमने अपना जो हथियार है वो घर पे भूल चुके हैं, और हमें आज हम बहुत ही कम निकलने वाले हैं कार से, बहुत ज्यादा अवॉइड करेंगे बाहर, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। तो हम ज्यादातर कोशिश करेंगे गाड़ी के अंदर ही रहें, क्योंकि मैं तो घर से डेकोरेशन करके आया हूं, जस्ट हमें यहां पर ऑन करना है अपना डेकोरेशन। तो कहां पर है वो अपना पावर बैंक निकाल ले यार, चाकू है नहीं छोटा, चाकू लाया मैं छोटा सा, हथियार के नाम पे कुछ तो है। सही बात है, दिखा कहां पर है चाकू, तो तेरे सामने ही है। तो गाइस ये आज की रात के लिए हमारा हथियार। इसी से हम लैपर से या वाइल्ड एनिमल कोई भी आता है, ओ भाई ये कुत्ता फिर से आ गया। भाई देख लो, ऐसे ही किसी दिन लैपर आ गया ना हमारे पीछे से, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम हमारे ना लग जाएंगे। इसको हमने ना बहुत बार यहाँ पर आके चिकन, और हमने जो जो यहाँ पर कुकिंग किया हमने इसको बहुत कुछ खिलाया है। ये हमारा वफादार डॉगी है, लास्ट टाइम आपने अगर व्लॉग देखा होगा, इसने हमें ना अपने हमें लैपर से अलर्ट किया था, लैपर आसपास ही था, इसने हमें अलर्ट कर दिया था कसम से। आप वो व्लॉग देख सकते हैं, आई बटन में ऊपर आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं वो वाला व्लॉग भी, इसने हमें बचाया था। तो ये आज फिर से आ गया, बट आज इसके लिए खुशखबरी नहीं है यार, हम आज ना यार इसके लिए कुछ नहीं लेके आए, आज जो हम बनाने वाले हैं वो ये खाएगा नहीं, क्योंकि वो फ्रूट है। सॉरी, हमारे साथ रहना यार हमारी सेफ्टी के लिए, लैपर कभी भी आ सकता है, हैक कर सकता है। चल ब्रो कर लाइट को ऑन यार, पावर बैंक कहाँ है? ये हमारा मैं ना घर से ही बेड बना के आया था, और चेक कर सकते हो गाइस माहौल बनता जा रहा है। ये लाइट हमने लाई थी जो चांद सितारे छत में मिलेंगे आपको, थोड़ी लाइटनेस की कम करनी पड़ेगी तभी दिखेगा शायद। सो गाइस ये चेक कर सकते हो गाड़ी हमारी अंदर से कैसी लग रही है, एकदम टोटली जनरल है यार कसम से। आपको घर के अंदर ऐसे फील हो रहा होगा जैसे आप खुले आसमान के नीचे आप सो रहे हो यार, क्या फील आ रहा है यार गाड़ी के अंदर, पूरी गाड़ी का नजारे बदल दिया इस बार हमने, लास्ट टाइम से भी बेटर हो चुका है। जबकि नेचर के तारे आपको ऊपर दिख रहे होंगे, बट ये जो हमने इंसानी तारे लगाए हैं ना जो, इसका तो कुछ और ही फील आ रहा है यार। आज यहाँ पर जो सोने का मजा आएगा ना बहुत जबरदस्त है यार, मजा आने वाला कसम से। सो ये मैंने लाइट ऑफ की थी ताकि अगर आपको दिखे अच्छे से, अब मैंने लाइट ऑन कर दिया आपको कम दिखेगा। और ये हमारी लास्ट टाइम की लाइट है जो हमने लगा दिया, ये भी अलग फील देती है। सो आप देखना चाहते हैं हमारी कार कैंपिंग की डेकोरेशन, 3 2 1 ब्रो लेट्स गो। सो चेक करें गाइस, ये है फील हमारा कार कैंपिंग का, कैसी लग रही है आपको? आई होप ब्यूटीफुल लग रही होगी। सो अभी हमें लग चुकी है भूख, सो अभी हम सीधा करते हैं खाने का प्रबंध। मैंने आपको जैसे ही बताया कि हम ना आज बाहर अवॉइड कर रहे हैं कुकिंग करना, आज हम अंदर बनाने वाले हैं। सो हम क्या बनाने वाले हैं वो हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही क्या बोलूं मैं हेल्दी डाइट होने वाली है हमारी आज। नॉन वेज है हमारा ना ही कुछ मतलब कोई भी तेल से बना कुछ भी नहीं है, ऑयल से फ्राई जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा आज खाने को, बहुत ही हेल्दी डाइट हेल्दी फूड होने वाला है। बताइए दोस्तों को हमारे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। फ्रूट चाट जो विद मेयोनीज, इसको मिक्स करेंगे। ओके सो ये हमने ना मिक्स फ्रूट्स लाए हैं सारे, ये एप्पल हो गया, पानी लाया नहीं साफ करने के लिए। हाँ, पानी तेरे साइड में पड़ा होगा। और ये ब्लैक ग्रेप्स ग्रीन भी है मिक्स। अच्छा, आधा किलो दे रहा था मैंने, बोला भाई पाव पाव दोनों दे। सो हम ये लाए हैं अंगूर सेब, और क्या लाए हैं हम, आम भी लाए हैं।
एक मैंगो भी है। एक मैंगो जो हमें बहुत महंगा पड़ा है, 60 रुपए का। खीरा क्या करना है? अब तो बोलेगा केला क्या करना है? केला भी, अब केले भी ले गया तू? सही है, फ्रूट चाट केले के बिना थोड़ा बनेगा यार। एक तो मैं खा के दो बचे हैं। अब मत, ये मत खाना भाई, संतरे भी लाए हम। ओह माय गॉड, बड़ा कुछ लेके आया यार तू तो। मतलब आज मस्त हेल्दी डाइट होने वाली है हमारी, है ना? टमाटर पता नहीं किस काम आएंगे। टमाटर यार ऐसे ले आए, चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंपिंग में यूज कर लेंगे। जल्दी जल्दी बना ले, अंदर आएंगे खाने, क्योंकि बाहर मुझे लग रहा है डर यार, क्योंकि बाहर का फील करें आप गाइस, बहुत ही भयानक सा है। लेपर्ड का जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ना, यहाँ से डॉगी ने एंट्री मारी, वैसे लेपर्ड आकर गलती से भी यहाँ से आ गया ना, हमारे लग जाएंगे। तू तो फिर गाड़ी में अंदर बैठा, तू बच जाएगा, मेरा क्या होगा? पानी की बोतल तेरे लेफ्ट या राइट में पड़ी होगी। है हाँ, यहीं पर है। नहीं है, चल मैं खुद देता हूँ। पानी की बोतल थी ना यार, कहाँ गई? आई थिंक वो नीचे चली गई कहीं यार, वो चली गई यार, वो देख वो आगे चली गई है सीट। तुम जब निकालता हूँ ये ले ब्रो बोतल। सो फ्रूट्स को साफ करते हैं क्योंकि रोड पे होता है तो गंदगी वंदगी साफ तो करनी पड़ेगी ना यार। पीने वाला पानी क्या? हाँ ब्रो पानी पीने वाला यार। सो कितना अच्छा लग रहा है ना यार, कमेंट्स में बताओ यार आपको कैसा लग रहा है ये सेट हमारा। पहले से आई थिंक बेटर हो चुका है। यहाँ पर रात को सोने का फील, जो हम आपको क्या बताएं यार, गाड़ी के अंदर सोने का फील है ना, क्योंकि आपको डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि गाड़ी के अंदर आप ना बड़ा सेफ फील करते हो। गाड़ी के अंदर आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता, आप आराम से सोते हो, आराम से इंजॉय करते हो, आराम से वेब सीरीज देख सकते हो लैपटॉप में, जैसे हम देखते ही हैं। ऐसा हमारा नाइट स्टे होता है यहाँ पर। तो यहाँ से ना आवाज़ें आ रही है, मुझे बार बार डर लग रहा है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आगे ना पानी है, कुछ भी आवाज़ें आ रही है। कर दिया साहब। ओ यार मेरे शूज गीला हो जाएगा यार। शूज को साइड कर लेने यार, तूने भी बाहर रख दिए, पागल है क्या? शूज चीता उठा के ले जा, चीता शूज ले जा, कोई चक्कर नहीं है, हमें नहीं उठा के ले जा, बस उसका डर है यार। 80,000 के शूज है, 80,000 का। 80,000 का है गाइस, मुझे बताइए 80,000 के शूज है भाई? इसका असली रेट 250 रुपया। फ्री है भावा? अच्छा फ्री मिले हैं, चोरी तो नहीं किया तूने कहीं मंदिर से? चोर तो है। चाकू कहाँ पे? चाकू ग्रीन कलर का यहीं पर रखा था मैंने यार। तूने लिया था ना यार चीते से लड़ने के लिए, बोला था हम हथियार नहीं लाए, तो फिर चाकू निकाल जेब में डाल दिया। हाँ मतलब लैपटॉप अभी आ जाए, चल इस चाकू से तो नहीं लड़ पाएगा, बट ये वो डरेगा भी इससे वो, बट थोड़ा बहुत तो हम उसको ऐसे मारेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसको दर्द तो होगा ना, हमें छोड़ेगा, हम भागने का टाइम तो मिल जाएगा ना गाड़ी के अंदर बैठने का। खुजली होगी उसको थोड़ी सी, खुजली होगी खोल करने के लिए, ठीक है उसकी। तो ये सेब की उद्घाटन होने जा रहा है, हमारा पहला सेब काटेंगे। तुझे पता करिए तो ये जो बीज है ना इसके सेब का, हाँ अगर तू 1 किलो खा लेगा ना, हाँ तेरी मौत है। क्या बात कर रहा है, इतना जहर होता है इसमें? गाइस ये जो बातें बहुत ज्यादा कर लेता है, लेकिन वो कितनी सच्ची होती कितनी झूठी गूगल पे सर्च कर लो, वो आप बताओ मुझे, क्योंकि उसकी बातों का मुझे विश्वास नहीं है। गूगल पर सर्च कर लो यार, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो करना पड़ेगा, मैंने खुद गूगल यूट्यूब पे देखा। चल ठीक है, फिर अगर चीता आएगा ना उसको खिलाएंगे। 1 किलो होना भी चाहिए ना मेरे पास। अंगूर काटने क्या डर गया? नहीं यार बाहर ना थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, तो इसलिए मैं अंदर आ गया हूँ। मैंने कैमरा बाहर ही ऑन कर दिया कि लैपटॉप आ जाएगा कोई चक्कर नहीं, मोबाइल वहीं पड़ा रहेगा बाद में उठा लेंगे, पर मुझे कुछ हो गया तो ब्लॉग कौन करेगा बाद में? मेरा मोबाइल छोड़ के आ गया तो किस्त भर रहा हूँ उसकी। कोई बात नहीं ब्रो, यूट्यूब से कमाएंगे। किस्त चुकाएंगे। यार तुमने बड़ी स्पीड में काटा सारा कुछ, तेरे से ज़्यादा टेंशन मुझे अपने फ़ोन की हो रही है। अब तू क्या चाहता मैं तेरे को फोन यहाँ ला के दूँ? चल यार तेरी बात मान लेता हूँ मैं। नहीं यार बैठ रहा हूँ। बंदे को जब इंसान से ज्यादा वैल्यू मोबाइल की है। सो आपको दिखाता हूँ मैं कितना अच्छा लग रहा है काटते हुए। नहीं देखो दो पीस कैसे हो रहे हैं यार, कितना सही लग रहा है ना यार इसका, यार। कितना सही फ्रूट चाट बनेगा, जितना अच्छा दिख रहा है इतना टेस्टी होगा भी ये। हाँ सही बात है, मेरी गारंटी। ये क्या? आम? मैंगो। मैंगो अभी आम भी बोलते हैं, तू अंग्रेज है। अब इसका छिलका नहीं छोड़ सकता हूँ। सही बात है, मैं क्यों छोड़ूंगा, तू मुझे भी देगा खाने के लिए, क्या लगे खा रहा है छिलका, लेकिन मैं खा लूंगा। 60 रुपए लगे हमारे छिलका फेंकना ना, वो खा लेना बीच वाला। क्या? नहीं यार मैं छिलका भी खाता हूँ। चल ओ सच में छिलका। गाइस कौन कौन छिलका खाता है मुझे बताओ, कुछ लोग सिर्फ अंदर से खाते हैं। नमूने ये गिनोना काम करने वाला, या गरीब इंसान है थोड़ा कुछ छोड़ेंगे। कुछ लोग तो हमें ग्राई भी बोलते हैं, ग्राई वाले हरकतें कर रहे हो। हाँ भाई है, देखा जाए सारे गाँव से आए हैं। मैं तो फिर बैठ गया हूँ बाहर,
लेपर्ड आएगा सामने तो मुझे अटैक करेगा। मुझे लगता है मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ आज। फील भी तो आता है ना यार, आप डेंजरस फॉरेस्ट में कैंपिंग कर रहे होगे ना, नेचर के बीच में क्या फील आता है यहाँ पर रात को स्टे करने का, है ना। तू खुद खा रहा है यार? एक छिलका खा रहा हूँ यार मैं, जल्दी कर यार, भूख भी लग रही है। सो कितना जबरदस्त लग रहा है यार, चेक करो गाइस क्या टेस्ट है ये। जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा पता है। अच्छा, और ये हेल्थ के लिए भी बड़ा सही है ना फ्रूट चाट। क्या बात कर रहे हैं यार गाइस, क्या है यार, कितना तगड़ा सीन हो चुका है यार। हमने एक लाइट को ऑफ किया और बाहर वाली को ऑन रखा है, अंदर का माहौल ही बदल गया यार। ये क्या है? अपनी आंख इधर कर। क्या ये? अबे जा बे, ये तो संतरे का वो फेंक रहा है रस, संतरे का पानी पानी जो आंखों में लगता है ना। मुझे लगता है यार किसी ने आज तक इतनी अच्छी कैंपिंग की होगी वो एक कार के अंदर। करते हैं काफी लोग, मैंने देखा है, बट ऐसा फील किसी ने लिया होगा यार। सो ये हमारा ऑरेंज, इसमें काफी कुछ डाल दिया हमने यार, भर दिया पूरा पतीला, पतीला भर गया ये, मतलब दो बंदों के लिए इनफ है यार, पेट तो भर जाएगा इस हमारा, सुबह के लिए भर जाएगा ये। नहीं यार इतना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेपर्ड के लिए रख देंगे थोड़ा। लेपर्ड नहीं खाता भाई ये, हम खाएंगे लेपर्ड, हमें खाएगा फिर। सो हमारे जो फ्रूट्स हैं वो हमने काट दिए, और हम डालने जा रहे हैं मेयोनीज, क्योंकि उसी का सारा फ्लेवर आने वाला है। चेक करो गाइस, चेक करो गाइस यार, मैं मोटो व्लॉगिंग देख रहा था ना हमारे जम्मू के, वो ऐसे बोलते हैं चेक करो गाइस। सो गाइस चेक करो मेयोनीज, क्या यार कितनी सही लग रही है, टेस्टी लग रही है ना, खाने में भी टेस्ट होगा। आगे बता, ज्यादा डालना, पानी भी डालना इसमें थोड़ा सा, इतनी तो पड़नी है इसमें। नहीं नहीं इतनी भी नहीं, थोड़ा डाल दे और यार, हाँ काफ़ी इतनी। अब इसको मिक्स कर दे, काफ़ी लोगों को लगेगा यार ये हाथ से कर रहे हैं। भाई हाथ धोए हमने यार, ऐसी बात नहीं है। ये तो वैसे ही लग रहा है जैसे शादियों में होता है। अच्छा तू आटा गूंढ रहा ऐसा लग रहा है? नहीं यार कसम से लग रहा है आटा गूंढ रहा पूरा। सो ये हो रहा मिक्स हमारे सारे फ्रूट्स, और इसको खाने का बहुत मजा आने वाला है। हाय यार जल्दी जल्दी बना यार, मैं सराहने जा रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आ गया यार। मैं भाई नमक डालना, नमक तो सारा टेस्ट है, नमक डालेंगे तो टेस्ट आएगा ना यार। ये थोड़ा सा नमक दे, मैं पानी। नमक पता कहाँ है यार, मैंने देख कहाँ नमक रख लेके आया हूँ मैं। ये ला ये डब्बी है नमक। ओए ज्यादा मत डालना, थोड़ा डाला, थोड़ा डाला ना, मिक्स कर दे, मिक्स कर दे। चल हाथ से नहीं डालेगा ये थोड़ा, अब इसको टाइट कर लेता है, हाथ से नहीं पड़ेगा इसे। सो ये हमारी मेयोनीज पड़ चुकी है, अंदर के खाते हैं बाहर इसका। इंडिया में एक तो उनका फूड जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं उनके फूड व्लॉग्स जो हैं वो मैं फॉलो करती हूँ, और लाइक देखिए बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। भाई मुझे तो बहुत बुरा लगता है, इंडिया बुरा लग, बहुत बुरा लगता है। वो कोई एक चीज़ बता दें जो बुरी लगती है। वो एक दूसरे को बहुत प्रमोट करते हैं, मतलब अगर कोई डांस का किसी ने स्टार्ट किया तो। जा रहा है क्या? नींद आ रही भाई, कब से काम कर रहा हूँ, थकान होगी बहुत ज़्यादा यार। चल ब्रो अभी हमने ना दरवाज़ा बंद नहीं किया, ये गाड़ी का दरवाज़ा खुले रखा है, ऐसे सोने वाले हैं। एक्चुअली कह रहा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ऐसे सो जाते हैं। भाई बाहर से आवाज आ रही है, दरवाजा बंद कर फटाफट। भाई आवाज़ अभी भी आ रही है, वो देख उस तरफ से, पूरी उस तरफ से आवाज़ आ रही है पूरी। क्या करें भाई, दरवाज़ा बंद हो गया, अब सेफ हम, बट आवाज़ आ रही थी, ऐसा लगा जैसे अभी हमारे अंदर ही मतलब अटैक हो सकता है। अंदर की लाइटें ऑफ कर देते हैं क्योंकि किसी को दिखेगा नहीं, हम लाइट ऑफ कर दे यार। हाँ ये वाली रहने दे, ये वाली रहने दे, हाँ इस लाइट को रहने दे, बाहर से हमें कुछ होगा हमें अंदर से दिख जाएगा ना, लाइट ऑन करके रखेंगे तो हमें दिखेगा भी नहीं बाहर कौन आया। ठीक है हाँ ये लाइट ठीक है। मुझे लगता है कि कोई जंगली जानवर होगा, छोड़ यार क्या टेंशन ले रहा है, कोई नहीं, ऐसे कुत्ते बिल्ले तो घूमते रहते हैं जंगलों में तो क्या डरते रहेंगे। वैसे भी गाड़ी के अंदर सेफ है, हम कैसे हो आराम से, क्या टेंशन है, लेट जा यार, इतनी टेंशन मत ले, कोई नहीं है। चलो गाइस अभी हम ना सोने जा रहे हैं, तो कुछ भी होगा अगर आगे तो हम आपको बताएंगे, अभी हम सोते हैं। ये हमारा पिल्लो है और हमारी टांगे भी गाड़ी के बिल्कुल बराबर है, मतलब बाहर नहीं है, हम एकदम रिलैक्स होकर सोने वाले हैं यहाँ पर। अब आपको सोते हुए दिखाएंगे, मिलते हैं सुबह आपको, बाकी कुछ भी होगा रात को तो हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। साहिल ओए बाहर आया यार कोई, क्यों आवाज आ रही है, सच बोल, सच्ची कहाँ से है, आगे से आ रही है यार, किसी की चलने की आवाज आई मेरे को अभी। भाई मजाक मत कर यार, नहीं यार तेरे को नहीं आ रही,
यार मैं सोया हुआ था, अचानक से मेरी नींद खुल गई यार, किसी के पैर की चल नहीं है बात है, मेरी नींद उड़ गई पूरी की पूरी। गाइस किसी के आने की आवाज, किसी के पैरों की आवाज़ हमें सुनने को मिली भाई। अभी है हाँ यार भाई रात है ना, थोड़ी सी आवाज़ होती है, ऐसा लगता कुछ हो गया है ना, कुछ नहीं है, सो जा। शीशी ऊपर है, दरवाजा बंद है, हमें कोई रिस्क नहीं है। चल ठीक है, सो जा सो जा। यार डर तो लगता है, बंद ही कर दे इसको यार। लाइट बंद कर दो ना, सोना ही है वैसे। चल साहिल आवाज सुन, आवाज आ रही है, कौन है वो? गेट खोलो, कौन भैया? गेट खोलेगा पहले कि नहीं? वो लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर यार, ये कौन आ गया? कर कर लाइट ऑन कर। हाँ भैया बोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? कुछ नहीं भैया, सो रहे थे यार। देख रहे हो तुम लोग इधर कार कैंपिंग कर रहे हैं यार। परमिशन लिए किसी से? यार इतना बड़ा जंगल है, परमिशन किससे लेनी हमने यहाँ पे? यहाँ पे गांव के लोग बोलते हैं इधर तुम इतनी लेट रात को यहाँ पे आके गाड़ी लगा के पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। क्या कह रहे हो? यहाँ पे लोगों की कंप्लेंट आती है, यहाँ पे आके पार्टी करते हैं। यार कौन सी पार्टी की? हमने फ्रूट शूट बनाया, हमने तो शराब भी नहीं रखी अपने पास यार। देख लो आप क्या, आप कौन भैया? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, तो यहाँ का काम है आपका, तो फॉरेस्ट वाले हमें क्यों तंग कर रहे हो आप? गांव वालों की तरफ से कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे आगे लोग पार्टी करते हैं, दारू पी के लोगों को तंग करते हैं जो यहाँ पे रात को आके काम करते हैं। तो भैया सारे थोड़ी एक जैसे होते हैं यार, हम थोड़ी ऐसे कोई, तो ड्यूटी है ना। लेकिन हाँ तो देख लो, आप जायजा ले लो, जो चीज हमारे पास निकाल लो, जो हमें। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है? आइडेंटिटी कार्ड अभी हम लेके घूमेंगे नहीं, अब अगर इतनी रात को कोई आके ऐसे पूछ रहा है तो वो होगा ना कोई, तभी तो पूछ रहा है ना। आप आईडी कार्ड दिखाओ अपना, हम कैसे माने आप? भाई दरवाजा मत खोलना भाई, इस टाइम कुछ भी हो सकता है, दरवाजा मत खोलना गलत से। मैं दरवाजा क्यों खोलूं? मैं नहीं खोल रहा दरवाजा भाई। दरवाजा खोल के दिखाओ, चेकिंग करो। चल गया करना, खोल रहे हो कि नहीं? चलेगा बाहर, मत दरवाजा मत खोलना, खोलो जल्दी भाई। पहले आईडी कार्ड दिखा अपना। मैं क्यों आईडी कार्ड दिखाऊं? आईडी कार्ड दिखा पहले भाई, मुझे क्या पता तू कौन है यार? जल्दी खोलना कि नहीं तुमने? मैं नहीं खोल रहा, शायद मैं नहीं खोल रहा यार। मत दरवाजा मत, गलती से भी मत खोलना। गेट खोल दो भाई, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ओए गाड़ी से पीछे हो, गाड़ी से पीछे हो, क्यों पीछे हो? गाड़ी टच क्यों कर रहा है? पीछे हो यहाँ से। आईडी कार्ड निकाल पहले अपना, आईडी कार्ड है तेरे पास? आईडी कार्ड है तेरे पास? आईडी कार्ड है तेरे पास? नहीं है ना, मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोल रहा हूँ। क्या खोल रहा है कि नहीं? नहीं खोल रहा, जल्दी खोल भाई, दरवाजे से दूर है, दरवाजे से पीछे हो जा। खिड़कियों को छुआ ना, मैं दांत तोड़ दूंगा तेरे यहाँ पे। क्या कर लेगा तू भाई? ये पता नहीं कौन है भाई, रात को आ गया यार। ये फॉरेस्ट में लगा हुआ बंदा, ये फॉरेस्ट डिपार्ट का बंदा, लग ही नहीं रहा। तू फॉरेस्ट में लगा है? जल्दी खोल, जल्दी। क्या नाम है तेरा? नेम प्लेट क्या है तेरी? वेर इज योर यूनिफॉर्म? तेरी वर्दी कहाँ पे है? तू कहाँ से अपने आप को फॉरेस्ट गार्ड कह रहा है? चोर है कोई? पता नहीं चोर लगी थी जंगल में, कहाँ पहुंच गया चोर? ओए टूट देगा मारा, ओए समझा इसको। क्या कर रहा है? खोल रहा है कि नहीं भाई? यार भाई दरवाजा खोल, मेरी बात सुन भाई, दरवाजा खोल, देखते हैं इसको यार बाहर जाके। खोल दरवाजा, देखते हैं। मैं नहीं खोल रहा भाई, खोल जल्दी। क्या पता इसको गोली शोली ना हो यार, मैं मार देगा साला। भाई तेरा पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत मत बोलना। शक्ल दिखाना अपनी, अपनी शक्ल दिखा, पूरी अच्छे से दिखाना अपनी, आगे आगे शक्ल दिखा पूरी। फोटो फोटो शूट कर रहा है तू मेरे यहाँ पे? जल्दी खोल रहा है भाई, दरवाजा तोड़ देगा मैं बोल रहा हूँ भाई, इसे दरवाजा तोड़ देना। दरवाजा खोल दिया पीछे कर यार, मार उसको, मार उसको, दो मुड़े इत अंदर बस इये ड्रामा होने लग्या। खलके उपर जाओ जो मर्जी करो, इतने के थोड़ी दसा ओ नहीं समझे। महाराज चुके अफसर फोन, जिप्सी भेजी उसलै गड्डी उठी आई, चुके बिच दे गड़ाम। राती बराती एक बारी सरदार आई गए ते कुड़ियां मुड़े आई गए दो, ओह आखन लगे यार बंदे आए साढ़े बाहर दे ते अस पार्टी ते नहीं कटरे आए यार। अच्छा फिर बनाओ यार, फिर मुर्गा मार गया दो बजे गए थो राती आई जाने मिनट आई जाने इतने लोग। कोई गल नहीं, हूँ दिखा तो पुछा जो मर्जी करो, टेंशन नहीं।
दोस्तों अभी आपने जो पीछे वीडियो में देखा सीन क्या हो गया कि हम ना नॉर्मल सो ही रहे थे तो एक लड़का आ गया, वो शराबी था आई थिंक, तो उसने हमें मतलब दरवाजा खड़काना शुरू कर दिया। तो हमें लगा पता नहीं कौन है वो, अपने आप को पता नहीं कोई कुछ बोल रहा था, मैं फॉरेस्ट गार्ड का हूँ कहीं का हूँ, तो हमने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दरवाजा उसने जबरदस्ती खोल दिया। तो उसको तो हमने मतलब ठीक ठाक उसके कान के नीचे रखे, बट क्या हो गया वो भाग गया। लेकिन उस शोर शराबे से क्या हो गया, गाँव के लोग आ गए हमारे पास, तो गाँव के लोग भी हमें मतलब बोल रहे थे कि यार आप क्या कर रहे हो इतनी रात को मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर जंगली जानवर होते हैं। तो हमें उनको समझाया कि हमारा हम यूट्यूबर हैं, हम ऐसे कैंपिंग्स वगैरह करते रहते हैं नाइट कैंपिंग, तो उनको भी समझाया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बट वो बंदा भाग गया, अगर वो होता ना तो गांव वालों से उसको पड़ जाने थे, डंडे देखे उनके हाथ में थे गांव वालों के हाथों में, गांव वालों ने उसको मैंने दृढ़ देना था अभी बच गया वो, तो वो तो भाग गया। तो बाकी अब गांव वालों से परमिशन अच्छे से मिल गई है, वो कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं, कोई बात होगी हम यहीं पर है। वो दूर थे, वो कह रहे हैं हम बड़े पास में रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ से बहुत दूर है घर उनका, क्योंकि रात है ना तो थोड़ी सी भी शोर शराबा होगा तो बहुत दूर तक बाजी जाती है। तो अभी हम वापस स्टे सोने लगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चल सोते हैं चल। तो अभी आपसे बस शेयर करना था, आपसे शेयर कर रहे हैं कि अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर कर दें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं आपके लिए, ऐसे नाइट कैंपिंग करते हैं, कार कैंपिंग करते हैं। तो वीडियो को अगर आप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और कमेंट करना मत भूलना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे नाइट कैंपिंग और डेंजरस फॉरेस्ट और ऐसे रिस्की काम सब करते रहते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो सोते हैं, बाय बाय।